दूसरी जो मेरी एक और मजीद ख्वाहिश इसमें पिन्हा थी वो ये थी कि आपके इंतहाई मकबूल न सिर्फ शहर हैदराबाद के बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के मायानाज आलमी शहरत याफ्ता खतीब अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब से भी माशाल्लाह उनके मुनफरद अंदाज में कुछ बयान सुन सकते माशाल्लाह। अजीजान मुहतरम, सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज ये करूं कि माशाल्लाह जो उन्वान लगाया गया है जश्न मौलूद काबा के हुजूर सैयदना अली करमल्लाह वजहुल करीम की शान अक्दस के मनाने के लिए सुनने सुनाने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं और मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ अपनी बात को मुकम्मल कर लूंगा फिर इंशाअल्लाह मौलाना साहब का बयान भी आपको सुनना है। अजीजान मुहतरम, हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल इरशाद फरमाते हैं इसी मौलूद काबा सरकार हैदर कर्रार मुश्किल कुशा सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ताल्लुक से, और वो अपनी किताब में इस बात को नकल फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की रिवायत से। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जलील कद्र साहबी, आप फरमाते हैं बड़ी तवज्जो के साथ अगर आप बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मजा आएगा। आप फरमाते हैं और इसको नकल करते हैं कि पूरी पुराने पाक के अंदर जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम फरमाया है यानी ईमान वालों से खिताब फरमाया है, इसका सबसे पहला मुखातिब अव्वल अली की जात मौलाए कायनात की जात है। अजीजान मुहतरम, हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पाक में जिसके जश्न में हम आए हैं ना, ये कौन है, ये कौन है आखिर, ये कौन सा आका है कि जिनका जिक्र हमारे अब्बा जान करते हैं, हमारे दादा जान करते हैं, हमारे बुजुर्ग करते हैं, नहीं बल्कि आप फरमाते हैं मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं कि 300 से ज्यादा आयात सरकार सैयदना मौलाए कायनात की शान में नाजिल हुई। कहने वाले कौन, इमाम अहमद इब्ने हंबल। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा तो लगाइए किस जात का जिक्र सुनने के लिए आप यहाँ जमा हुए हैं, अंदाजा तो लगाइए। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अली रहमतुल्लाह रिदवान अपने फतावे अजीजिया के अंदर इशारा फरमाते हैं ये कौन बात, कौन बात कर रहा है, ये सफे अव्वल के मुहद्दिसीन है, बर्रे सगीर के अव्वलीन मुहद्दिसीन में है। अजीजान मुहतरम, इरशाद फरमाते हैं वहां तकाबुल उन्होंने किया कि शेखैन करीमैन की जो फजीलत है अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग जगह मखसूस अंदाज में फजीलतें अता फरमाई, बेशक अता फरमाई, तो जैसी शेखैन करीमैन को जहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत बख्शी है अता फरमाई है, कई ऐसी फजीलतें हैं कि वो मुनफरिद है उसके अंदर कि फिर वैसी फजीलत किसी और को अता नहीं फरमाई। और इसी तरीके से आपने इरशाद फरमाया कि मौलाए कायनात शेरे खुदा मुश्किल कुशा को अल्लाह तबारक व तआला ने जो फजीलतें बख्शी हैं और जो यूनिकनेस बख्शी है उसके अंदर एक और खास बात यह है कि हजरत मौलाए कायनात को कसरत रिवायत अता फरमाया। सुभानअल्लाह, कि जितनी रिवायात रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम से जितना इल्म मौलाए कायनात को अता फरमाया गया उतना किसी और को नहीं अता किया गया। अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। अजीजान मुहतरम, आप अंदाजा तो लगाइए उस अली का जिक्र सुनने के लिए हम यहां बैठे, वो मौलूद काबा उसका जिक्र सुनने के लिए यहां बैठे। अजीजान मुहतरम, बल्कि बात जहन में आ रही है कि हजरत मौलाए कायनात के ताल्लुक से एक बड़ी खूबसूरत बात आपसे अर्ज करूं कि
ये जानते हैं, आपने उलमाए किराम से सुना है और ये कहा गया है और ये बताया गया है और ये रिवायत में बात आई है, मतन में बात मौजूद है कि तमाम कायनात के उलूम कुरान पाक में और कुरान पाक के तमाम उलूम सूरह फातिहा में और सूरह फातिहा के तमाम उलूम बिस्मिल्लाह और तमाम बिस्मिल्लाह के उलूम बिस्मिल्लाह की बे में और वो तमाम उलूम जो बिस्मिल्लाह की बे तक पहुंचे हैं वो बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते में। और अली मुश्किल कुशा इरशाद फरमाते हैं कि अना मैं उस बे के नीचे का नुक्ता हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर। अना नुक्तातु तहतल बाई के मैं उस बे के नीचे का नुक्ता हूं। मैं बड़ी आसान अंदाज में आपको बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि कैलीग्राफी आप जानते हैं कि कत कत एक चीज होती है, नुक्ता एक चीज होती है। कि कत आप यूं समझिए कि नुक्ते का आधा, ठीक है। अगर के देखो कि कम अज कम ये साढ़े तीन कत है या नहीं, उसकी सेहत के लिए ये जरूरी है कि वो देखे साढ़े तीन कत और ज्यादा से ज्यादा पांच कत। अगर वो उससे कम है या जायद है तो उसकी सेहत ठीक नहीं है। और बे जो है ना, बे बा, अब उसको कहा गया है कि वो देखो कि पांच कत है तो उसकी सेहत ठीक है और ज्यादा से ज्यादा 11 कत। अल्लाह हू अकबर। तो मालूम यह हुआ कि और ये तमाम के तमाम 29 हुरूफ के अंदर इसका एप्लीकेशन होता है, तमाम के तमाम के अंदर, कि उसकी सेहत को जब नापा जाए, देखा जाए तो किससे देखो, नुक्तों से, नुक्तों से देखो। और अली फरमाते हैं अना नुक्तातु तहतल बाई। मालूम यह हुआ कि अगर ईमान की सेहत को परखना हो तो फिर देखो कि अली से मोहब्बत है कि नहीं। सुभान अल्लाह, कि हक जो है वो अली के साथ। सुभान अल्लाह। तो मालूम यह हुआ कि अगर देखना हो कि ईमान सही जगह मजबूत है कि नहीं, सेहत है कि नहीं, ईमान बाजाबता सेहतियाब है कि नहीं, तो देखो कि अली की मोहब्बत पाई जाती है कि नहीं दुनिया रे। सुभान अल्लाह। अजीजान मुहतरम, ये अली की शान है। अजीजान मुहतरम, मौलाना साहब बयान इरशाद फरमाए थे, बहुत खूबसूरत बयान इरशाद फरमा रहे थे कि सरकार मौलाए कायनात ने जब पहला दीदार फरमाया तो हुजूर अकरम सरवरे कौनो मकां अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा खलीफतुल्लाह अलआजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार फरमाया। उसी से बात एक जहन में आती है कि मैं आपसे अर्ज करूं और गालिबन आज का जो टॉपिक है उससे भी ये बात रिलेट हो जाएगी कि मौलूदे काबा, कि मौलूदे काबा क्या है। मौलूद काबा से मुराद ये है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो जात है कि जो काबतुल्ला शरीफ के अंदर पैदा हुए हैं। वो टॉपिक क्या है, किसके नाम के साथ जिक्र हो रहा है कि वो जो काबे शरीफ के अंदर पैदा हुए हैं। अभी बातें बहुत हो रही थी माशाल्लाह नादखानी के अंदर, खारिजी के ऊपर कुछ बात हो रही थी, बदअकीदा पे कुछ बात हो रही थी। अजीजान मुहतरम, अब क्या कहा जा रहा है, ये कैसी बात है, ये कैसी बात है कि अली काबे के अंदर पैदा हो और मुस्तफा जाने रहमत काबे के अंदर पैदा ना हो। अरे अरे, ये क्या बात हो गई, अली की शान क्या मुस्तफा जाने रहमत आका मौला से बढ़कर है। अरे कैसी बात कर रहे हो, ये कैसी बात कर रहे हो। रसूल पाक अलैहि सलातो व तस्लीम तो इरशाद फरमाते हैं या अली انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي। اے علی, तुम्हारी मिसाल मेरे साथ ऐसी है जैसे कि मूसा की हारून के साथ। सुभान अल्लाह। मगर बात यह है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं हो सकता, लेकिन मकाम और मर्तबा क्या अता फरमाया,
جو کچھ بھی ہے علی کے پاس وہ سب صدقہ ہے رسول پاک کا، سبحان اللہ، وہ سب ہے عطا رسول پاک کی۔ ابھی تو کہا گیا ہے نا کہ پہلا دیدار ہی تو رسول پاک کا کیا، اور وہیں سے تو علی علی بنے ہیں، علی اعلیٰ بنے ہیں۔ عزیزان محترم، اب بات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہونے میں کعبۃ اللہ شریف کے تقدس کا دخل ہے، کعبۃ اللہ شریف کا کہ تقدس کا دخل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اگر کعبۃ اللہ شریف کے اندر ولادت پذیر ہوتے ہیں تو اس کے اندر کعبۃ اللہ شریف کے تقدس کا دخل ہے کہ آپ کے ترقی درجات کے اندر کعبۃ اللہ شریف کا دخل ہے؟ لیکن آقا و مولا سرور کائنات، روح کائنات، نور کائنات، تقویم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، ان کی رفعتوں میں، ان کے مقام و مرتبے میں کس کا دخل ہوگا؟ کہ جبکہ خود ارشاد فرمایا گیا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے خدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کی ساری روح زمین کو مسجد بنا دیا۔ ارے جس کی ٹھوکر میں برکتیں ہیں ان کو کاہے کی برکت حاصل کرنا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا کہ علی پیدا ہوئے مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے، ارے مصطفیٰ پیدا کیسے ہوں گے؟ ارے مصطفیٰ جہاں بیٹھ گئے، جہاں پیدا ہو گئے، جہاں ٹھوکر مار دی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ پتھر کا مقام بلند ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کو کون کیا مقام عطا فرما سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے محبوب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے رفعتوں میں کعبۃ اللہ شریف کو دخل شامل کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عزیزان محترم، تو کعبۃ اللہ شریف میں آپ پیدا ہوئے، اور اسی لیے تمام اہل سنہ والجماع کیا کہتے ہیں آپ کو؟ مولود کعبہ، کہ وہ جو کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اب اس کا ایک واقعہ آپ سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد، جو آپ کی والدہ ماجدہ ہے، وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف جاتی ہیں۔ درد ذہن جب تھا اور ولادت قریب تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی، اس وقت وہ تشریف لے جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا علی، بات دراصل یہ ہے معاذ اللہ کہ وہ جو بت تھے نا کعبۃ اللہ شریف کے پاس، اندر جو بت تھے، کیا شاید ان سے رغبت کی وجہ چلے گئے وہاں پہ؟ اللہ اکبر۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وارفقہ یہ راوی ہیں، اور اس پہ ہمارے اسماء الرجال میں کافی بحث اس پہ ہوئی ہے کہ حضرت ابو طالب کے پاس جب تمام قریش آ گئے کہ قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، پریشانی ہے، کیا کریں؟ تو وہاں کہا گیا جاؤ جا کے جو ابراہیم کی اولاد ہے نا، ابراہیم کی اولاد سے دعا مانگنے لگواؤ، ان کا وسیلہ لو ابراہیم کی اولاد سے۔ یہ جو اولاد والا سلسلہ ہے نا، یہ بھی بہت پرانا ہے، سبحان اللہ، یہ جو اولاد والا سلسلہ ہے یہ بھی بڑا قدیم ہے۔ تو کہا گیا کہ ابراہیم کی اولاد سے جا کے وسیلہ پکڑو، وہ جو سب سے بزرگ ترین ہے قریش کے اندر ابو طالب، ان سے جا کے مدد مانگو، وہ بڑے بزرگ ہیں، وہ خدا پرست ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں واقعہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، یہ کون ہے حضرت؟ ٹھیک ہے، علی کے لیے دعا کر رہا ہے نا، ایک کام کرو، یہ جو صاحبزادے ہیں خوبصورت، 8 سے 10 سال کے درمیان میں کون؟ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ کے بھتیجے ہیں، کہا ان کو ساتھ لے چلو، اور کعبۃ اللہ شریف کے سامنے بٹھا دیا، اور بٹا کر کہا اے خدا تو محمود ہے اور یہ محمد ہے، تو نے اپنے نام میں سے ایکسٹریکٹ کر کے اس نام کو رکھا ہے، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اس سے زیادہ تجھ سے کوئی قریب نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، چونکہ تو محمود ہے، یہ محمد ہے۔ اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، کس سے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ ابھی پروپگیشن آف اسلام نہیں ہوا، رسول پاک تو 8-10 سال کی عمر کے ہیں،
یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضرت ابو طالب کا، سبحان اللہ، جو مولا علی کے والد گرامی ہے۔ اب بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابو طالب کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت اس عمر میں بھی خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے دعا کے لیے تو خدا رد نہیں کرے گا۔ تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو کہ علی کی والدہ معاذ اللہ ایسے ہی کہیں تھی؟ نہیں، بات کیا تھی کہ ایک بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے ہزاروں سال سے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اگر خاتمہ خیر پہ ہے تو سب کچھ خیر پہ، ٹھیک ہے، اف دا اینڈ از ویل آل از ویل، خاتمہ اگر خیر پہ ہوا تو سب کچھ خیر پہ ہے۔ اسی عقیدے کے ساتھ یہاں پہ کلام کیا گیا ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ اگر آج بھی کتنی پریشانی، اس زمانے میں تو نہ ہاسپٹل نہ ڈاکٹر نہ کچھ نہ کیا، بڑی تکلیف بڑی پریشانی ہوتی تھی، بچے تولد ہوتے وقت تو عالم یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہم باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ماؤں کا یہ عالم ہوتا تھا۔ تو اب اس وقت خیال یہ ہوا کہ خدا کے گھر کی طرف چلتے ہیں، اگر کچھ ہو جائے تو پھر انما الاعمال بالخواتیم کے خدا کے گھر کی دہلیز پہ میرے ساتھ کچھ معاملہ ہو جائے گا۔ بہرحال آپ طواف کر رہی تھی، اچانک سے درد ذہن اٹھ گیا، آپ نے خدا کی بارگاہ میں بڑی تیزی کے ساتھ بات عرض کرنے لگا، خدا کی بارگاہ میں عرض کی، خدایا جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو اس گھر والے کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس مہمان کی عزت کا لحاظ کرتا ہے، وہ میں تیرے گھر آئی ہوں اور اب اگر میرے پردے کے اندر کوئی اڑچن آئی تو خدا یہ تیری شان کے مطابق نہیں ہے۔ بات اچانک سے رکن یمانی پھٹ جاتی ہے، سبحان اللہ، کعبۃ اللہ شخ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ تاریخ کی کتابوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک بات آپ سے عرض کروں کہ آپ کی والدہ ماجدہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر جاتی ہیں، ولادت ہوتی ہے، کسی تاریخ کی کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ یہ ثابت ہوا ہو کہ جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں اور غلاظت نمودار ہوتی ہے، ویسے مولا علی کی ولادت کے وقت کوئی گندگی کا ظہور ہوا یا کعبۃ اللہ شریف سے مٹھی اٹھا کر باہر پھینکی گئی ہو، نہیں، پاک اور ستھرے آپ کو پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادی، سرکارنی شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا کے جب عقد کا سلسلہ چل رہا تھا، بڑے بڑے اکابر بزرگ ترین صحابہ کرام رسول پاک کی بارگاہ میں جاتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھے تو شہزادی کونین کے لیے ہمارے رشتے ہیں، ہم رشتہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیشہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فاطمہ کے لیے خدا کے حکم کا انتظار ہے، سبحان اللہ، فاطمہ کے عقد کے لیے، رشتے کے لیے خدا کے حکم کا انتظار ہے۔ واقعہ طویل ہے، میں تیزی کے ساتھ عرض کروں، مولا کائنات کے پاس صحابہ اکرام تشریف لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا علی آپ تشریف لے جائیے، آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، مجھے بڑی شرم آتی ہے، میں کیسے جاؤں، دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ کے اندر گٹھے آ گئے ہیں، وہ شہزادی کونین ہیں، آقا بےکس پناہ ہیں، بادشاہ کون و مکان کی صاحبزادی ہیں، میں کیسے ان سے مانگوں؟ عزیزان محترم، ابھی آپ نے بات سنی ہے کہ مولود کعبہ ہے، جس کو کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا خدا نے اپنی مرضی سے کیا، جس کو رسول پاک کا بھائی بنایا، جس کو مولا کائنات بنایا، تمام فضیلتیں ہیں مولا علی کی، اور یہ تو سنی کا عقیدہ ہے نا، آج بھی 1450 سال کے بعد یا علی اگر کہہ کر اٹھ جائے تو پھر دم میں دم آ جائے، سبحان اللہ۔ وہ علی کر کیا رہے ہیں؟ محنت کر کیا رہے ہیں؟ کسب کر کیا رہے ہیں؟ محنت کر رہے ہیں، کسب کر رہے ہیں۔ وہ بیٹھ نہیں گئے کہ میں کائنات کے بادشاہ کا رشتہ دار ہوں، انہی کے پاس میں پلا بڑا ہوں، نہیں، بلکہ محنت کرتے تھے۔ تو ہم اگر علی کے غلام ہیں تو پھر علی کے بن کے بتانا ہوگا۔ عزیزان محترم، آج کیا بیرا روی کی کیفیات ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم
تجارت سے بھی دور ہو گئے، ملازمت سے بھی دور ہو گئے، ہم تعلیم سے بھی دور ہو گئے۔ ارے خدا تو فرماتا ہے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم لوگ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑی رفعت عطا کرے گا، تمہیں ہائی سٹیٹس عطا کرے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان، ایمان ہے۔ کاہے کو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں بھائی؟ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین الاکرمین، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعين الكرام، معزز حضرات اور نوجوان ساتھی، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز شہنشاہ خطابت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ پیر سید نجم الدین الگیلانی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکات العالیہ خطیب امریکہ، اور حضرت علامہ مولانا محمد علی خان صاحب بیابانی مدد اللہ العالی داماد برکات العالیہ والقدسیہ و دیگر جلیل القدر نوجوانان اہل سنت، اسٹیج پر جلوہ افروز دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا کروڑہا احسان ہے کہ آج ہم کو اس ذات با برکت کے ذکر میں شریک ہونے کا موقع نصیب ہوا جس کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور یہ وہ جلیل القدر ہستی ہے جن کے نام میں بھی اللہ رب العزت نے جن کے نام کو بھی اللہ رب العزت نے رد بلا بنا دیا، اور میں ابھی جیسے ہمارے علامہ پیر سید نجم الدین الگیلانی صاحب نے فرمایا کہ وہ آج خصوصیت سے آج کے اس جلسے میں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ مجھ ناچیز کو سماعت کریں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سیدوں کی پہچان ہے، سبحان اللہ، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بولی بھی بڑی ہوتی ہے، ان کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، ان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، اور بڑے لوگوں کی پہچان دولت سے نہیں ہوتی، ان کی سیادت سے ہوتی ہے، سبحان اللہ،
क्योंकि आप जिस शहजादे को जब से समाअत फरमा रहे थे, ये एक बहुत बड़े इल्मी खानदान से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत है। क्योंकि मैं जब जब हिफ्ज कर रहा था उस वक्त आपके दादा हजरत हुजूर सैयदुना जलालतुल इल्म हजरत रशीद पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे मदरसे का दौरा के लिए तशरीफ लाए थे हाफिज बाबा नगर पर, अल्लामा नूरानी पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे में हजरत तशरीफ लाए थे, तो मुझे हजरत क़िबला की खिदमत का शर्फ नसीब हुआ था। उस वक्त मैं हिफ्ज कर रहा था, बहुत छोटी उम्र का था, तो हजरत को हाथ पकड़ के कार से उतार के मदरसे में ले गए, मदरसे से स्टेज पे ले गए। तो आप यकीन मानिए, मैं जब हजरत के हाथ पकड़ा था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने किसी फूल को पकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज तक वो ना मैं हाथों को भूला हूँ, ना मैं वो नरमी को भूला हूँ, ना वो चेहरे को भूला हूँ। क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा इकराम से, सहाबियों क्या मैं तुम्हें ये बात ना बताऊं कि एक जमात होगी जो औलिया अल्लाह की जमात होगी। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह जरूर बताइए वो कौन होंगे, तो उनसे उनको हम कैसे पहचानेंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा रुउ ज़िकर अल्लाह, कि जब तुम उनको देखोगे तो खुदा याद आ जाएगा। सुभान अल्लाह। और खुदा याद आने वाला चेहरा, अल्लाह की कसम वो हजरत रशीद पाशा साहब के बिला का चेहरा था। सुभान अल्लाह। खुदा को याद दिलाने वाला चेहरा था, वो मलाहत, वो शफकत, वो नूरानियत, वो हुस्न, वो जमाल, वो खड़ा चेहरा, वो खड़ी नाक। हालांकि माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इल्म का भी ऐसा मीनार बनाया था, इल्म की भी आपकी ऐसी शादियां। तो अपने दादा के बारे में नहीं बोलेंगे ना, हम लोग शरीफ लोग हैं, अपने अपने बारे में नहीं बोल लेते। सुभान अल्लाह। तो इसलिए उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोले तो मैं उनके उनके दादा हजरत के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये जो है नहीं, एक एक बहुत बड़े आलिम थे नदवियों के, मैं नाम नहीं लेता जान दो, बहुत बड़े आलिम थे नदवियों के, बहुत बड़े आलिम। उन्होंने एक किताब लिखी अरबी में, अरबी में किताब लिखी, पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में पहुंचा दिए, दरसगाहों को पहुंचा दिए, मौलाना लोगों को दे दिए, मुफ्तियों को दे दिए, अल्लामा को दे दिए। आखिरी में लेके आके क्या करे, हजरत रशीद पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को दिए। और क्या बोल के दिए, आजिजाना जुमला बोले, अगर इसमें कुछ तस्दीक है तो फरमा दीजिए, बोले कुछ इसके अंदर करेक्शन है तो कर दो, बोले गलत जुमला बोल दिए सही बारगाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करेक्शन है तो कर दो, बोले हजरत क़िबला किताब शुरू करे, पहला पेज पढ़ते की पेंसिल मंगाए। सुभान अल्लाह। पहले पेज से करेक्शन करना शुरू करे तो आखिरी पेज तक 300 गलतियां निकालेगा। निकाल के भेज दिए तो उन्होंने वो किताब के करेक्शन को लेकर फिर दोबारा आए मिलने हैदराबाद को, मिलके बोले, मैं आलिम को देखा मगर ऐसी फताहत व बलागत, ऐसा इल्म रखने वाली शख्सियत तूने देखा। सुभान अल्लाह। हम लोग आज ना खदरे हैदराबादियां, मैं अब तक 10 वक्त बोला है, हमारा को हमारा खदर नहीं, हमारा क्या होना, टीवी पे उनको देख लिए, पीर साहब मुरीद, मुरीद कहाँ का मुरीद भाई, कनाडा वाले पीर, तू किसका पीर, लंदन वाले पीर, तू किसका मुरीद वाले, पाकिस्तान वाले पीर। अबे हौले, ना तू वहां जा सकता, ना वहां उन्हों या आ सकते, समझ रहे हैं मेरी बात। आप ऐसे शहर में रहते हैं या ऐसे हीरे हैं, आपको पूरी दुनिया फिरे भी तो वो हीरे कहीं भी मिलने वाले। सुभान अल्लाह। और ये बात मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मैं अब तक 14 कंट्री को गया 14 बयान करने के लिए, 14 ममालिक को गया, मैं मॉरिशियस गया, लंदन, मैं हॉलैंड गया, जर्मनी गया, बेल्जियम गया, फिजी गया, न्यूजीलैंड गया, नेपाल गया, दुबई गया, सऊदी अरब गया। अल्लाह की कसम, ना मुझे एक मुहद्दी से दकन जैसा मिला, सुभान अल्लाह, ना मुझे एक रशीद पाशा जैसा मिला, ना मुझे एक ताहिरुल कादरी साहब रजवी सदरुल शुयूख जामे निजामिया जैसा मिला, ना तो मुझे एक
پیر خلیل اللہ شاہ صاحب نے بلایا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اچھے ہیں اب مسئلہ کو سمجھو مسلمانوں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں بہت بڑی بات دیکھو عرب کی زمین پر غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان بتا رہا ہوں عرب کی زمین پر کئی اسلامی کنٹریز ہیں کئی اسلامی کنٹریز ہیں عرب کی زمین سعودی عرب ہے دبئی ہے قطر ہے عمان ہے کویت ہے مصر ہے عراق ہے ایران ہے فلسطین ہے کئی کنٹریز گنتے بیٹھے تو 50 کنٹری نکلتے عرب میں کتنے کنٹریز ہیں سبحان بات سمجھ لیا وہاں پر اتنے کنٹریز ہیں کئی کو ہے اس لیے ہے کہ اس زمین پر انبیاء نے محنت کی سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد ہوئی ہے اس لیے وہاں اسلامی کنٹری سے بات سمجھ میں آتی ہے سبحان اللہ اس کنٹری پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گھوڑے دوڑائے تلواروں کو چمکائے لہرائے بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے وہاں اسلامی کنٹریز ہے اس زمین پر اہل بیت اطہار نے اپنے خون کو بہایا اس لیے وہاں اسلامی کنٹریز ہیں مسلمانوں کے ممالک ہیں بات سمجھ میں آتی ہے اس زمین پر قرآن کو اتارا گیا اسی زمین پہ حرمین شریفین کو بنایا گیا اسی عرب کی زمین پر بڑے بڑے جلیل القدر علماء امام اعظم اسی زمین پر امام بخاری اسی زمین پر امام شافعی اسی زمین پر پیدا ہوئے غوث اعظم اسی زمین عرب پر پیدا ہوئے ارے امام مالک اسی زمین عرب پہ پیدا ہوئے آپ ذرا غور کرتے جاؤ بڑے بڑے محدثین مفسرین اولیاء صلحاء علماء بڑے بڑے امام امام ابن سیرین محمد بن سیرین اسی زمین پر رابعہ بصری اسی زمین پر جنید بغدادی اسی عرب میں حضرت حسن بصری اسی عرب میں حبیب عجمی اسی عرب میں نجم الدین کبری اسی عرب میں تو بات سمجھ میں آئی اتنے بڑے بڑے شاہکار پیدا ہوئے تو 500 مل بن گئے سبحان اللہ لیکن اب آؤ ایشیا میں اس ایشیا کو کہتے ہیں ہند کیا کہتے ہیں ہند کہتے ہیں یہ ہند میں کچھ ملک ہیں جن کے نام ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا نیپال بھوٹان انڈونیشیا افغانستان یہ ایشیا کی کنٹریز ہیں اب ذرا غور کرو مسلمانوں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں خیر افسوس کی بات ہے آج وہ آئے نہیں جو غریب نواز پہ اعتراض کرتے ہیں یہ پورے اردانہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پٹھے آئے نہیں آج اس کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے خیر یہ بھائی یوٹیوب والے تم لوگ کل ڈال دینا اب سنو یہ ایشیا کتنی کنٹریز ہیں یہاں پر کوئی پیغمبر نہیں آیا کوئی پیغمبر اپنے کتاب لے کر شریعت لے کر قانون لے کر دین لے کر یہاں پر سبحان اللہ اور کوئی صحابی یہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے نہیں آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا امام میں سے ایک امام کی بھی آمد اس زمین پہ نہیں ہوئی یا امام اعظم بھی نہیں آئے امام بخاری بھی نہیں آئے امام مالک بھی نہیں آئے اس زمین پر غوث اعظم بھی آمد نہیں ہوئی مگر غور کر کے سنو مسلمانوں پھر بھی یہاں پر مسلمانوں کے ملک ہے سبحان اللہ یہاں پر انڈونیشیا مسلمانوں کا ملک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پر افغانستان مسلمانوں کا ملک ہے یہاں پر پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے یہاں بنگلہ دیش مسلمانوں کا ملک ہے اور خود ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں اگر آپ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد کو کمپیئر کر لیں تو اس چار ملکوں کے مسلمان ایک ہندوستان کے مسلمان سبحان اللہ کی تعداد ایک ہے ارے اتنا مسلمان جبکہ یہاں کوئی پیغمبر کوئی صحابی کوئی تابعی کوئی نبی کوئی ولی نہیں آئے پھر اتنے مسلمان کہاں سے آئے تو جواب دینا تنہا غریب نواز نے کلمہ پڑھا پڑھا کے پورے ایشیا میں مسلمان ملکوں کو
को बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ख्वाजा। अरे सुनो मुसलमानों, सिर्फ एक गरीब नवाज आए तो इतने मुसलमान हो गए कि मुल्कों के मुल्क बन गए, कुफ्रिस्तान आए, इस्लामिस्तान को पैदा कर दिए। कैसा हुआ सुनो, गरीब नवाज अलवार लेके कलमा नहीं पढ़ाए, जंग करके कलमा नहीं पढ़ाए, पैसे दे के कलमा नहीं पढ़ाए, इज्जत और आबरुओं के साथ खेल के कलमा नहीं पढ़ाए। अरे गरीब नवाज ने 90 लाख का कलमा पढ़ाया तो सिर्फ अपना नूरानी चेहरा दिखा के। सुभान अल्लाह, उनके चेहरे में ये ताकत जो उनको देख लेता था उनको फिदा हो जाता। क्यों ताकत थी? गरीब नवाज ने इतना कलमा कैसे पढ़ाया? सुनो, चेहरा गरीब नवाज का था मगर उसमें जलवा अलीउल मुर्तजा का नजर आता था। चेहरा गरीब नवाज का था वो तस्वीर, उसमें मोहम्मद अरबी की नजर आती। सुभान अल्लाह, चेहरा गरीब नवाज का उसमें मलाह सैयदा तैयबा ताहिरा आकिना ज़हिरा राकिया फातिमा की नजर आया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये जात थी गरीब नवाज। वो जलवा बन के आए थे अपने बुजुर्गों, वो तस्वीर बन के आए थे अपने बाप दादाओं। मेरे प्यारो, दीन को समझो, हौले बनने की जरूरत नहीं है। बिजनेस की बात आई तो पट्टा खल्क यूज करता, चार आने को बारह आने कैसा बनाना पट्टे से पूछ लो, पूरा दिमाग यूज कर रहा। और फिर दिन की बात आती कि पूरा मल्लैया बन जा रहा, नहीं 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 जो है अल्लाह अल्लाह डार्लिंग। कभी अल्लाह भी से पूछ, ऐ परवरदिगार हमको कलमा पढ़ाना था तो एक सूरज को नीचे भेज देता तो हम लोग तेरा कलमा पढ़ते थे। ऐ अल्लाह हमको कलमा पढ़ाना था तो यहाँ तूफान और जलजले भेज देता तो हम तेरा ही कलमा पढ़ते थे। ऐ अल्लाह हमको कलमा पढ़ाना था तो परवरदिगार फरिश्तों की एक जमात उतार देता तो हम तेरा ही कलमा पढ़ते थे। मगर मौला, ना तूने तूफान भेजे, ना जलजले भेजे, ना तूने फरिश्ते भेजे, ना तूने हमारे ऊपर खैर भेजा, ना सूरज को नीचे उतारा, ना चांद को डुबाया, मगर हमको कलमा पढ़ाना था तो तूने मदीने की धरती से सरकार मुईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी पूछो ना मौला से, हमको कलमा पढ़ाने इनको कहीं को भेजाया? इसलिए भिजाया कि बंदो ये तेरे और मेरे बीच का वसीला, सुभान अल्लाह, इनका दामन पकड़ ले तू उस तक पहुंच जाए। मैं तुझे सिर्फ कलमा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तुझे कलमा भी पढ़ाने वाला हूँ, इसी मुईनुद्दीन के जरिए तुझे अपना कुर्ब भी अता करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, अपनी विलायत भी तुझे देने वाला हूँ। आप देखो आज बाज गुंबद वालों को अपनी गुंबद पे फखर है, हम है तो सब है। नहीं है बाबा, ठहरो जरा, इतना मत अकड़ो गुंबद टूट जाएंगी। सुन लो कसम रब्बे जुल जलाल की, आज पूरे हिंद में, हिंदुस्तान नहीं, पूरे हिंद में जितनी गुंबदें दिख रही हैं, अल्लाह की कसम ये सारी गुंबदें सदका है गरीब नवाज की गुंबद। वो गरीब नवाज नहीं आती, किसी की गुंबद नहीं बनती थी, किसी की गुंबद नहीं बनती थी, ये गरीब नवाज का सदका है, गुंबदें बनी हुई है, ये गरीब नवाज का सदका है, दरगाहें नजर आ रही है। उन्होंने ऐसा जाम पिलाया कि खुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को विलायत उसी दर से मिल रही है, निजामुद्दीन महबूबे इलाही को विलायत उसी दर से मिल रही है, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का चराग उसी दर से जल रहा है, साबिर पिया कलियरी को नेमत उसी दर से जल रही है, बाबा हरी गंगे शंकर से सदका उसी दर का बढ़ रहा है, बंदन बास पर उसी दर का चल रहा है। अरे चला जाओ, तुम्हें चिश्ती ही चिश्ती रंग लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
एक बहुत बड़ी बात आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ खादरी बैठे हैं, हम खादरियों ने भी चिश्तियों की कैसी कदर की, मैं ये बात बता देना चाहता हूँ। सरकार हुजूर सैयदना शेख अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी रजी अल्लाह अन्हु, ये औलाद है सरकार गौसे पाक, सुभान अल्लाह, किसकी औलाद है, जरा जोर से बोलिए, गौसे पाक, गौसे पाक की औलाद है, तो लाजमी बात है ना खूनी और खानदानी खादरी है, सुभान अल्लाह, खूनी खादरी भी है खानदानी खादरी भी है, गौसे पाक की औलाद, मगर जब आपको सरकार बाबा फरीद गंजे शगर से निस्बत हो गई, ताल्लुक हो गया, तो आपने जब उनसे निस्बत ली, गुलामी ली, उनसे बैत ली, तो सुनो मुसलमानों, गौसे पाक के इस शहजादे ने यहाँ खादरी झंडा लहराने के बजाय आपने चिश्तिया सिलसिले की तरवीज इशारा, सुभान अल्लाह, चिश्तिया सिलसिले की तरवीज इशारा, इसीलिए हिंदुस्तान में जितनी खादरी खानकाहें हैं, अगरचे के खानखाहों में, खादरी खानखाहों में समा की इजाजत नहीं है, लेकिन आप गौर करके देखें, आप गौर करके देखें, वो खानखाहों में चिश्तिया रंग वाला समा भी होता है, सुभान अल्लाह, क्यों होता है, कहीं ना कहीं ऊपर बुजुर्गों में खादरियत के साथ चिश्तिया का भी जाम पिलाया गया, सुभान अल्लाह, कि ये जो हिंद है हकीकत में इसका नाम हिंद नहीं चिश्त नगरी है, सुभान अल्लाह, ये गरीब नवाज के वसीले, ये गरीब नवाज कोई मामूली जात नहीं है मेरे भाई, मामूली जात नहीं है, एक बात कह देता हूँ सिर्फ आपके जहन को अकल को दखल देने के लिए, अल्लाह की कसम कान खोल के सुन लो, इस जमीन पर किसी जात ने उतना कलमा नहीं पढ़ाया जितना कलमा सरकार गरीब नवाज ने पढ़ाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर, अपने इमामों की कदर करो, सूफियों की कदर करो, और ऐसी जगह बैत करो जहां आपको मुर्शिद की सोहबत नसीब हो, मुर्शिद की जोर से बोलो सोहबत नसीब हो, क्योंकि आप अपने पीर से पीरजादों से मिलते रहे तो क्या रहता, खल्ब की सफाई होती रहती, शैतान क्या करता, देखो एक अच्छी बात बोल के ये उनवान को यहाँ रोको, फिर अपने उनवान पे चले, बुखार है, थर्मामीटर लगाए तो पता चलता कितना है, बीपी है पता चलता कितना है, शुगर है पता चलता, टेस्ट करे तो कितना है, कौन सा मर्ज क्या लेवल का है, इन्फेक्शन क्या लेवल का है पता चलता, लेकिन हसद क्या लेवल का है इसका कोई थर्मामीटर नहीं, हसद को नापने का कोई थर्मामीटर नहीं है, गुनाहों की ख्वाहिश क्या लेवल है, एक साहब है एक शादी कर ली है, फिर छह महीने में दूसरी, फिर दो साल में तीसरी, फिर एक छोड़ के भाग गई, फिर चौथी, और उन करते जा रहे हैं, उनको नेमत मिलते जा रही है, बाज लोग इतने टेंशनों में हैं, दूसरी का नाम लेते घर में टेंशन हो जा रहा है, और उन करना चाहे तो उनको चांस भी नहीं मिल रहा, उनको हालात भी नहीं बन रहे, मौका भी नहीं मिल रहा, मगर उन घरों में नेमत नेमत मिलती जा रही है, मेरे टीचर इसको इतने मिल रहे हैं, मैं अच्छा कमाने वाला, मेरे को कहीं को नहीं मिल रहे हैं, मैं बोला इसके अंदर हार्मोन्स का दखल है, जिसके हार्मोन्स जैसा जैसा अंदर काम करते जाते हैं उन्हें वैसे वैसे इफेक्ट सामने वाले पे देते जाते हैं, आपके हार्मोन्स में वो इफेक्ट डालने की सलाहियत नहीं, बस सर में जाते हैं बोल पीछे लगा लेंगे, ये ऐसी रहता है, उनको एक करे बात ही ना, दूसरे की तलाश रहा, ऐसा देखता हम देखने की फिदा हो जाते उसके ऊपर, उसके हार्मोन्स वो लेवल के रहते, ऐसा है ये अंदर के झगड़े हैं, ये ख्वाहिशात के झगड़े हैं, तो आपकी ख्वाहिश क्या लेवल की है इसका कोई थर्मामीटर नहीं है,
आपके अंदर गीबत करने का जो मादा है इसका कोई थर्मामीटर नहीं है, चुगली करने का जो मादा है इसका कोई थर्मामीटर नहीं है, बुखार को नापा गया तो उसका इलाज हुआ, बीपी को पहचाना गया तो इलाज हुआ, शुगर का टेस्ट हुआ तो इलाज हुआ, खल्प की बीमारी निकली तो इलाज हुआ, अब हसद को नापा नहीं जा रहा है, चुगली को पहचाना नहीं जा रहा है कि इसका मादा क्या है, तो इसका इलाज कैसे होगा, तो जवाब मिला ये जो दिल की बीमारियां हैं इसका इलाज तबीबों डॉक्टरों के पास नहीं होगा, दवाखानों में ग्लूकोज इंजेक्शन से नहीं होता, इसका इलाज खानों में तीर की नजर से होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खानों में तीर की नजर से इसका इलाज होता। एक 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 बात अच्छी जहन में आ रही, सुनो मुड़ में तो है ना, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई, अभी अपन मौला अली पे आई चले, अभी तो उनके बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दादा का जिक्र बाद में करेंगे, पोतरों की तो बात सुन लो, सुभान अल्लाह। सरकार मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्दी खादरी रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शख्स आया अपने ओल्ड सिटी के बाद आए, क्या गुजरुगा गुजरे अपने, सुभान अल्लाह। सरकार मुहद्दिस दक्कन की बारगाह में आया, आके सरकार मुहद्दिस दक्कन से अर्ज करने लगा, सरकार मैं नमाज पढ़ने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, शैतान मेरे को नमाज जाने नहीं दे रहा, अब ये शैतान अंदर बैठ के खेल रहा, अब इसका इलाज तो कहीं हॉस्पिटल में होने वाला नहीं है, ना केयर हॉस्पिटल में है, ना अपोलो में है, ना उस्मानिया में है, ना चार मीनार हॉस्पिटल में, ये शैतान अब जो आपके दिल के साथ खेल रहा है, वो समझदार मुरीद था, पीर की बारगाह में आया, आके कहने लगा हुजूर मेरे वो शैतान मस्जिद में जाने की नजर, नमाज पढ़ने नजर आ, मेरे साथ शरारत कर। हजरत मुस्कुरा के बोले, मियाँ तुम नमाज पढ़ते है बल्कि उन्हें तुमको नमाज पढ़ने नहीं दे रहा, अल्लाह के मुखर्रिब बन जाते, जन्नत के हकदार बन जाते, आखिरत में कामयाब हो जाते, फिर उसकी मेहनत पूरी जो है रायगा हो जाती, बल्कि उन्हें क्या कर रहा पढ़ने नहीं दे रहा, तुम भी उसको फैला फुसला के कामा करो। बोले निकल गए तीसरे दिन भी अजान के बाद जा रहे हैं, वजू कर रहे निकल जा रहे हैं, चौथे दिन बोले क्योंकि इन्हों मस्जिद से निकल रहे दूसरे मुसल्लियां आ रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसा इलाज पीर का, इन्हों मस्जिद से निकल रहे दूसरे लोग आ रहे, सब क्यों देख रहे हैं, अरे कह रहे ने नमाज पढ़े बगैर चले आ रहा, नमाज पढ़े बगैर चले आ रहा, अरे ये टाइम पे नहीं मस्जिद से जाना, क्या है भैया, क्या मस्जिद में क्या वजू करने की जगह आ रहा चले आ रहा, वो तीन जिन जो तिरछी नजरा उनके ऊपर पड़े ना, उन्हें बोला मोहल्ले में इतना जलील होने से बेहतर है वो चार रकात पढ़ लेना, उनके नमाज पढ़ना छोड़ दे, सुभान अल्लाह, क्या तरीका है देखो बुजुर्गों का, क्या तरीका है देखो बुजुर्गों का नमाज पढ़ाने का, बोले इतना जलील होने से बेहतर है वो नमाज पढ़ लेना चार रकात बोल के पढ़ना छोड़ दे, ऐसे रहते बुजुर्गों के नुस्खे, ये है इलाज, ये है इलाज, ऐसा होता है नफ्स का इलाज, और ये पीरों को मालूम है किसका इलाज कैसा करना, किसकी नगली कहाँ मतना, किसका गुरूर कहाँ तोड़ना, किसका तकद्दुर कहाँ खत्म करना, किसकी शरारत को कौन सा कूड़ा मारना, ये पीर जानता है, जो आज आप लोगों के पास नहीं है। अरे कई बाबा को अमित पीर है जी,
पहले इतने लोग बैठ गए तो एक आदमी भी बगैर पीर वाला नहीं रहता था। सुभान अल्लाह। अब किसी का पीरी नहीं है, अब हैसो वाले दो चार लोग रह गए, अब इनका भी हाल ऐसा हो गया। अब ये टोपी पहनो बोले तो शर्म आ रही है, दूसरे पहन रहे इसने, दूसरे लोग व्हाइट नहीं पहन रहे, अब मैं ग्रीन पहन के कहां फिरूं मार्केट में? बोल हमारे गुरु हमारे मजहब पे चलने में शर्मिंदा होना पड़ रहा। आज हमारा हाल इतना बुरा हो गया, इतना बुरा हो गया हमारा हाल, क्योंकि हम पीरों से बैत नहीं कर रहे हैं। हमारा जो भाई ऑलरेडी बैत किया हुआ है, हम उसकी मदद तक नहीं कर सक रहे हैं, उसको उसके कदम पे साबित कदम रहने के वास्ते सपोर्ट तक नहीं कर सक रहे, इतना बुरा हाल होगा। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, किसी अल्लाह वाले को पकड़ो, अल्लाह वाले का झूठा पियो। और एक जलसे में ऐसी बोला, मुरीद बनो करो बोले तो लोग क्या करे, जाके लटा वाले बाबा के मुरीद बन गए। कौन से लटा वाले बाबा? हैदराबाद में कही है, देखो लिम्बुआ नारेला गंडे उनके मुरीद, ये चिचोरों के मुरीद होगा, अल्लाह वालों के मुरीद, अल्लाह वालों के मुरीद, जिनका हाथ पकड़े तो वो हाथ आपको गौसे आजम से मिला देना। सुभान अल्लाह। जिनका हाथ पकड़े तो वो हाथ आपको मौला इमाम हुसैन से मिला देना। सुभान अल्लाह। वो हाथ आपको इमाम हसन से मिला देना। वो हाथ आपको मदीने वाले मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पकड़ो पकड़ो ऐसा हाथ, ताबीजा वाले गड्ढे वाले नारियल वाले नींबू वाले कांटी वाले बाबा को। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। अपने इमामों की कदर करो, सूफियों की कदर करो, और ऐसी जगह बैत करो जहां आपको मुर्शिद की सोहबत नसीब हो। मुर्शिद की जोर से बोलो सोहबत नसीब हो, क्योंकि आप अपने पीर से पीरजादों से मिलते रहे तो क्या रहता, खल्ब की सफाई होती रहती। शैतान क्या करता, देखो एक अच्छी बात बोल के ये उनवान को यहाँ रोको, फिर अपने उनवान पे चले। बुखार है, थर्मामीटर लगाए तो पता चलता कितना है। बीपी है पता चलता कितना है। शुगर है पता चलता, टेस्ट करे तो कितना है। कौन सा मर्ज क्या लेवल का है, इन्फेक्शन क्या लेवल का है पता चलता। लेकिन हसद क्या लेवल का है इसका कोई थर्मामीटर नहीं। हसद को नापने का कोई थर्मामीटर नहीं है। गुनाहों की ख्वाहिश क्या लेवल है। एक साहब है, एक शादी कर ली है, फिर छह महीने में दूसरी, फिर दो साल में तीसरी, फिर एक छोड़ के भाग गई, फिर चौथी, और उन करते जा रहे हैं, उनको नेमत मिलते जा रही है। पांच लोग इतने टेंशनों में हैं, दूसरी का नाम लेते घर में टेंशन हो जा रहा है, और उन करना चाहे तो उनको चांस भी नहीं मिल रहा, उनको हालात भी नहीं बन रहे, मौका भी नहीं मिल रहा, मगर उनको नेमत नेमत मिलती जा रही है। मेरे कोई टीचर इसको इतने मिल रहे हैं, मैं अच्छा कमाने वाला, मेरे को कहीं को नहीं मिल रहे हैं। मैं बोला इसके अंदर हार्मोन्स का दखल है, जिसके हार्मोन्स जैसा जैसा अंदर काम करते जाते हैं उन्हें वैसे वैसे इफेक्ट सामने वाले पे देते जाते। आपके हार्मोन्स में वो इफेक्ट डालने की सलाहियत नहीं, बस सर में डालने इसको बोल पीछे लगा लेंगे। ऐसी रहता हो उनको एक करे बात ही ना, दूसरे की तलाश ना, ऐसा ही देखता हम देखने की दाव जाते उसके ऊपर, उसके हार्मोन्स वो लेवल के रहते। ऐसा है ये अंदर के झगड़े हैं, ये ख्वाहिशात के झगड़े हैं। तो आपकी ख्वाहिश क्या लेवल की है इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। आपके अंदर गीबत करने का जो मादा है इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। चुगली करने का जो मादा है इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। बुखार को नापा गया तो उसका इलाज हुआ, बीपी को पहचाना गया तो इलाज हुआ, शुगर का टेस्ट हुआ तो इलाज हुआ, खल्ब की बीमारी निकली तो इलाज हुआ। अब हसद को नापा नहीं जा रहा है, चुगली को पहचाना नहीं जा रहा है कि इसका मादा क्या है, तो इसका इलाज कैसे होगा। तो जवाब मिला, ये जो दिल की बीमारियां हैं इसका इलाज तबीबों डॉक्टरों के पास
नहीं होता, दवावानों में ग्लूकोज इंजेक्शन से नहीं होता, इसका इलाज खानों में पीर की नजर से होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खानों में पीर की नजर से इसका इलाज होता। एक 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 बात अच्छी जहन में आ रही, सुनो मुड़ में तो अभी तकरीर शुरू नहीं हुई, अभी अपन मौला अली पे आई चले, अभी तो उनके बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दादा का जिक्र बाद में करेंगे, पोतरों की तो बात सुन लो, सुभान अल्लाह। सरकार मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्दी खादरी रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शख्स आया अपने ओल्ड सिटी के बाद आए, क्या गुजरुगा गुजरे अपने, सुभान अल्लाह। सरकार मुहद्दिस दक्कन की बारगाह में आया, आके सरकार मुहद्दिस दक्कन से अर्ज करने लगा, सरकार मैं नमाज पढ़ने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ, शैतान मेरे को नमाज जाने नहीं दे रहा। अब ये शैतान अंदर बैठ के खेल रहा, अब इसका इलाज तो कहीं हॉस्पिटल में होने वाला नहीं है, ना केयर हॉस्पिटल में है, ना अपोलो में है, ना उस्मानिया में है, ना चार मीनार हॉस्पिटल में। ये शैतान अब जो आपके दिल के साथ खेल रहा है, वो समझदार मुरीद था, पीर की बारगाह में आया, आके कहने लगा, हुजूर मेरे उस शैतान मस्जिद में जाने की नजर, नमाज पढ़ने नजर, मेरे साथ शरारत कर रहा। हजरत मुस्कुरा के बोले, मियाँ तुम नमाज पढ़ते है बल्कि उन्हें तुमको नमाज पढ़ने नहीं दे रहा, अल्लाह के मुखर्रिब बन जाते, जन्नत के हकदार बन जाते, आखिरत में कामयाब हो जाते, फिर उसकी मेहनत पूरी जो है रायगा हो जाती, बल्कि उन्हें क्या कर रहा पढ़ने नहीं दे रहा, तुम भी उसको फैला फुसला के काम करो। बोले निकल गए। तीसरे दिन भी नमाज अजान के बाद जा रहे हैं, वजू कर रहे निकल जा रहे हैं। चौथे दिन बोले, क्योंकि इन्हों मस्जिद से निकल रहे हैं, दूसरे मुसल्लियां आ रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इलाज पीर का, इन्हों मस्जिद से निकल रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, सब क्यों देख रहे हैं, अरे कह रहे हैं नमाज पढ़े बगैर चले आ रहा, नमाज पढ़े बगैर चले आ रहा, अरे ये टाइम पे नहीं मस्जिद से जाना, क्या है भैया, क्या मस्जिद में क्या वजू करने की जगह आ रहा चले आ रहा। वो तीन जिन जो तिरछी नजरा उनके ऊपर पड़े ना, उन्हें बोला मोहल्ले में इतना जलील होने से बेहतर है वो चार रकात पढ़ लेना, उनके नमाज का बात छोड़ दो। सुभान अल्लाह, क्या तरीका है देखो बुजुर्गों का, क्या तरीका है देखो बुजुर्गों का नमाज पढ़ाने का, बोले इतना जलील होने से बेहतर है वो नमाज पढ़ लेना, चार रकात बोल के पढ़ना शुरू कर। ऐसे रहते बुजुर्गों के नुस्खे, ये है इलाज, ये है इलाज, ऐसा होता है नफ्स का इलाज। और ये पीरों को मालूम है किसका इलाज कैसा करना, किसकी नगली कहाँ मतना, किसका गुरूर कहाँ तोड़ना, किसका तकद्दुर कहाँ खत्म करना, किसकी शरारत को कौन सा कूड़ा मारना, ये पीर जानता है, जो आज आप लोगों के पास नहीं है। अरे कई बाबा को अमित पीर है जी, पहले इतने लोग बैठ गए तो एक आदमी भी बगैर पीर वाला नहीं रहता था, सुभान अल्लाह। अब किसी का पीरी नहीं है, अब हैसो वाले दो चार लोग रह गए, अब इनका भी हाल ऐसा हो गया, अब ये टोपी पहनो बोले तुमको शर्म आ रही, दूसरे पहन रहे इसने, दूसरे लोग व्हाइट नहीं पहन रहे, अब मैं ग्रीन पहन के कहां फिरूं मार्केट में। हमारे गुरु हमारे मजहब पे चलने में शर्मिंदा होना पड़ रहा, आज हमारा हाल इतना बुरा हो गया, इतना बुरा हो गया हमारा हाल, क्योंकि हम पीरों से बैत नहीं कर रहे हैं, हमारा जो भाई ऑलरेडी बैत किया हुआ है हम उसकी मदद तक नहीं कर सक रहे हैं, उसके कदम पे साबित कदम रहने के वास्ते सब
सपोर्ट तक नहीं कर सक रही, इतना बुरा हाल होगा। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, किसी अल्लाह वाले को पकड़ो, अल्लाह वाले का झूठा पियो। और एक जलसे में ऐसी बोला, मुरीद बनो करो, बोले तो लोग क्या करे, जाके लटा वाले बाबा के मुरीद बन गए। कौन से लटा वाले बाबा? हैदराबाद में कही है, देखो लिम्बुआ नारेला गंडे उनके मुरीद। ये चिचोरों के मुरीद नको, अल्लाह वालों के मुरीद, अल्लाह वालों के मुरीद, जिनका हाथ पकड़े तो वो हाथ आपको गौसे आजम से मिला देना। सुभान अल्लाह। जिनका हाथ पकड़े तो वो हाथ आपको मौला इमाम हुसैन से मिला देना। सुभान अल्लाह। वो हाथ आपको इमाम हसन से मिला देना। वो हाथ आपको मदीने वाले मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पकड़ो पकड़ो, ऐसा ताबीजा वाले गड्ढे वाले नारियल वाले नींबू वाले बोले के इस नौजवान को अली के पास ले जा। हजरत अबू बकर हो, हजरत उमर हो, या पूरे सहाबा हो, जब भी कोई मसला हल नहीं होता तो सबकी जुबान पर अली का नाम हुआ करता, अली के पास ले जाओ। तो हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने कहा इसको अली के पास ले जाओ। तो नौजवान को पकड़े, पूरे मिलके हजरत अली के पास ले गए। हजरत अली को बोले, अली ऐसा हुआ कि इसने कल रात अपने मालिक का जिक्र किया। हजरत अली ने पूछा क्यों किया भाई? बोले कि वो मेरे साथ हरामकारी बदकारी बदफैली करता था, इसलिए मैंने कत्ल कर दिया। तो अब पहचानना यह है कि बदकारी इसके साथ होती थी नहीं, झूठ बोल रहा, वाकई वो गुनाह इसके साथ होता था नहीं, कुछ और मसले में कत्ल करके वो एक लगा दिया शोशा, पहचानना था। तो मौलाए कायनात इरशाद फरमाया, अच्छी बात है, इसको ले जाओ, तीन दिन तक इसको संभाल के रखो, तीन दिन के बाद ले आओ बोले, ले जाओ बोले, तीन दिन रखो इसको संभाल के, तीन दिन के बाद ले आओ। तो क्या कर, उसको वाकई लेके जाके बन के रख दिया, तीन दिन के बाद उसको लेके आए, लेके आए तो मौलाए कायनात इरशाद फरमाए, वो मालिक कहाँ है जिसकी खबर तुम लोगों ने बनवा दी, जिसका इसने कत्ल किया? तो बोले सरकार, वो हमारे इलाके में। तो हजरत अली कंबल डाले, बोले चलो चलते तुम्हारे इलाके में। इलाके को गए, जाके ठहर के उसकी खबर के पास ठहर के बोले, ये खबर खोदो। बोले खबर खुदवाए, खबर खुदवाए तो क्या हुआ, वहां पे मालिक की मैयत नहीं है, वो जिसका मर्डर हुआ उसकी मैयत नहीं है। तो हजरत अली बोले, ये नौजवान सच्चा है, इसके साथ हरामकारी बदकारी होती थी। बोले पूरी मजलिस परेशान, पूरे सहाबा परेशान। बोले अली, ये मैयत के लिए आप जो है खबर खुदवाए, मैयत है नहीं, और मैयत नहीं होने से आप कह रहे हैं कि वाकई इसके साथ हरामकारी बदकारी होती थी, इसका क्या मतलब है? बात कुछ भी सेंस काम नहीं कर रहे, बात समझ में नहीं आ रही है। तो हजरत अली मुस्कुरा के कहने लगे, मेरे नबी ने एक बार मुझसे कहा था, आमिना का लाल जान जाता ये मसला आने वाला है, इसलिए मेरे नबी ने मुझसे कहा था कि अली जो मेरी उम्मत में हरामकारी करेगा मरने के बाद तीन दिन के बाद उसका लाशा उसकी खबर से निकाल के लूटियों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये शान है मौलाए कायनात अली अल मुर्तजा की। आपने वो सारा इल्म जो सीने मुस्तफा में था, बराहे रास रसूल अल्लाह ने मौला अली अल मुर्तजा के सीने में मुंतकिल फरमा दिया। मौला अली अल मुर्तजा के सीने मुंतकिल फरमा दिया। फरमाया जाता है अल्लाह ने पूरी कायनात में जो हिकमत है, हिकमत अल्लाह ने उसके दस हिस्से बनाए, कितने हिकमत के किस्से दस हिस्से बनाए, अल्लाह ने उन दस हिस्सों में सिर्फ एक हिस्सा पूरी इंसानियत में तकसीम फरमा दिया। कितना हिस्सा? जोर से बोलो, एक हिस्सा, ओनली वन, सिर्फ एक हिस्सा पूरी इंसानियत में तकसीम फरमा दिया, और बाकी के नौ हिस्से अल्लाह ने मौला अली अल मुर्तजा को अता फरमाया। नौ हिस्से अल्लाह ने हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा को अता फरमाया।
और आपको मालूम है इस दुनिया में एक ही जात ऐसी है, एक ही जात ऐसी है जिसको बंदों ने कलमा पढ़ते हुए खुदा कहा, वो जात मौलाए कायनात अली और मुर्तजा की जात। क्योंकि हजरत अली की शुजात, हजरत अली की अखलाक, हजरत अली का हुसन, हजरत अली की हिकमत, हजरत अली का ज़हन, हजरत अली की बहादुरी, हजरत अली की गुफ्तगू, हजरत अली की इंसानियत, हजरत अली की अखलाक, हजरत अली का किरदार ऐसा था जो देखा था उसको संभलने का मौका नसीब होना पड़ता था, उसको नहीं संभला तो काफिर हो जाता था। ऐसी जाती मौला अली वहां देख के संभलना पड़ता, हजरत अली को देख के संभलना पड़ता, ठहरना पड़ता, हजरत अली ऐसी शान है, संभलना पड़ता हजरत अली को देख। हजरत अली के दौर में खुद ये जो शिया फिरका है ना, ये आज का नहीं है, ये हजरत अली के दौर का फिरका है। हजरत अली को देखे सबको भूल गए, कुछ भी नहीं होना, जरूरत बस खाली अली चाहिए, अली चाहिए, अली चाहिए। उसी दौर में इनको शियाने अली कहा जाता था, उसी दौर में। यानी कि हजरत अली को देखने के बाद संभलना मुश्किल है। कोई हजरत अली को खुदा बोल दिया, आज भी वो फिरका दुनिया में मौजूद है जो अली को खुदा कहता है, आज भी मौजूद है वो फिरका दुनिया के। 14 साल से उनका यकीन है अली खुदा है, खुदा अली का रूप इख्तियार करके आया। और बात फिरके ऐसे है, नौज़ बिल्लाह, हजरत अली से मिले तो नबी को सेकंड दर्जे में रखने लगे, अली को पहले दर्जे में रखने लगे। इतना मौला अली की मोहब्बत में उन लोग सरशार हो गए, गुमराही रही। तो हजरत अली की जात ही जैसी थी, इनको देखने के बाद संभलना कमाल है। और जो संभल गया वो अहले सुन्नत वल जमात में से हो गया। नहीं संभला तो शिया हो जाता, नहीं संभला तो वो हो जाता, नहीं संभला तो ये हो जाता। संभलना कमाल है। अली की जात कैसी है, अली नाम ही जैसा है, अली का नाम ही जैसा है, वहां ठहरना पड़ता, संभलना पड़ता, यही चीज तो कमाल है। पूरा पीना फिर हल्ला नहीं, नशा ऐसा है अली का, पूरा पीना, इतना पीना, इतना पीना, उठो तो अली, बैठो तो अली, चलो तो अली, आओ तो अली, जाओ तो अली, मेरे कफन पे लिखना अली अली। आज भी हजरत अली के नाम पे झगड़े चल रहे हैं हैदराबाद में, टेंशन नहीं है, हमको मालूम है पुराने। उनको देख के संभलना पड़ता, ठहरना पड़ता, और उनको देख के ठहरना कोई और नहीं सिखाए, हमको गरीब नवाज सिखाए। उनको देख के ठहरना, उनका नशा पीना, पी के संभलना, हमको गौसे आजम सिखाए। उनको देख के संभलना, हमें कोई और नहीं सिखाए, हजरत इमाम साहब सिखाए, इमाम बासी सिखाए, इमाम जाफर सादिक सिखाए, इमाम हुसैन सिखाए, इमाम बाबा सिखाए। संभलना ये अहले सुन्नत वल जमात क्या है, उनको देखना भी, ठहरना भी, संभलना भी, ये है अहले सुन्नत वल जमात। उनको देख के फिसला तो नीचे गिर जा, वो जाती जैसी है। अरे मेरे भाई, वो जाती जैसी है जिसको देखना इबादत है, बोले तो सोचो जात कैसी होगी। अरे जिसको देखे तो अबू बकर आंख नहीं मारे, अरे अबू बकर, अबू बकर जो रसूल अल्लाह को 24 घंटे देते हो, वो अली को देखे पलक झपकना छोड़ दिए, तो अब सोचो अली की जात कैसी होंगी, अब सोचो वाली की जात कैसी होंगी, अबू बकर जैसी जात पलक झपकना छोड़ दी तो तुम्हारी मेरी क्या औकात है जी। अपन तो 14वीं सदी के, अपने को तो संभलना भी नहीं आता, इसीलिए गौसे पाक का दामन पकड़ लो, संभलना नसीब हो जाएगा। गरीब नवाज का दामन पकड़ लो, संभलना नसीब हो जाएगा। इमाम आजम का दामन पकड़ लो, संभलना नसीब हो जाएगा।
इसलिए बस एक मसला पीर नजमुद्दीन साहब की निगरानी में एक मसला बयान कर दो, कुछ डालो मत डालो, कल ये जरूर डाल देना। जात बड़ी निराली है, अल्लाह अकबर, बड़ी निराली जात है। अजी कैसी जात होंगी जिसके घर में दो बच्चे जन्नती जवानों के सरदार बन के पैदा हुए। हाँ, कैसी जात होंगी जिसकी जौजा जन्नती औरतों की सरदार है। अरे कैसी जात होंगी जिसकी तहारत का जिक्र खुदा कुरान में बयान कर रहा है। अरे कैसी जात होंगी जिस घर में 1,24,000 पैगंबरों के चलने वाली नबुव्वत का इख्तिताम हो रहा है, उसी घर में अली की शक्ल में विलायत का आगाज हो रहा है। कैसी जात होंगी मेरे भाई, कैसी जात होंगी मेरे भाई, तसव्वुर तो करो यार, कैसी जात होंगी अली अली, हाय 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 हाय, अल्लाहू अकबर। मेरे प्यारे भाइयों अब सुनो, अकीदा कैसा होना, अकीदा अहमद नक्शबंदी क्या बोल रहा तकरीर में वो नहीं होना, गौसे आजम क्या बोले वो होना। सुभान अल्लाह, अकीदा अहमद नक्शबंदी क्या बोल रहा वो नहीं होना, इमाम आजम जो दिए वो होना, अकीदा क्या होना जो इमाम बुखारी दिए वो होना, अकीदा क्या होना जो हजरत करीम नवाज दिए वो होना। अब आपके मौलवियों के झगड़ों को देखकर परेशान नहीं होना कि फेसबुक के मौलाना के पीछे जाऊं या यूट्यूब के मौलाना के पीछे जाऊं या व्हाट्सएप के मौलाना के पीछे जाऊं या इंस्टाग्राम के मौलाना के पीछे जाऊं। किसी मौलवी, फेसबुक के मौलवी, यूट्यूब के मौलवी को मत देखो, अरे अहले सुन्नत कहने वाले इमाम आजम को देखो, अहले सुन्नत देने वाले गौसे आजम को देखो, अहले सुन्नत देने वाले गरीब नवाज को देखो, जो उनका अकीदा है हमारा अकीदा भी वही हो। कोई है तेरा फिर बाद लोग घूर के देख रहे, कहीं फेसबुक के मौलवी आप तो नहीं है वो, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बोलो भाई। आप ये देखो सरकार बानिए जामे निजामिया का अकीदा क्या है, आप ये देखो हजरत सैयदना मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्लाह शाह साहब क़िबला का अकीदा क्या है, आप ये देखो बहरुल उलूम हजरत अब्दुल क़दीर सिद्दीकी का अकीदा क्या है, आप ये देखो हजरत सैयदना ख्वाजा महबूब अल्लाह का अकीदा क्या है, आप ये देखो हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन का अकीदा क्या है, आप ये देखो हजरत बंदा नवाज कैसी दराज का अकीदा क्या है। ये फेसबुक के मौलवियों के पीछे टेंशन में लगवाओ, घूर के देखो तो मेरे को डर हो रहा कहीं ऊपर से चले गए क्या, बॉम्ब सिंग हो गई क्या। ये फितनों का दौर है, किसका दौर है, जोर से बोलो, फितनों का दौर है। तो ये दौर में हम ये मौलाना को नहीं सुनना, मैं इनको नहीं मानता, मैं अरे फोन पे मानने वाला नहीं मानने वाला चीजों रे, चल तू जाके टमाटे बेच, मैं इनको नहीं मानता, मैं इनको कौन बोलने वाला, बड़े बड़े बुजुर्गों के बारे में 1400 साल से जिनको जो मुकाम था बुजुर्गा अल्लाह रसूल दे दिए, इन्हें लाके उनको नीचे ला रहा, उनको ऊपर ला रहा, उनको की टांग खींच रहा, इनको निकाल दे रहा, मैं इनको मानता ही नहीं। हां डार्लिंग पैरों दरा कहां का अकीदा ला रही, अहले सुन्नत वल जमात को 14वीं सदी के मौलवियों की, फेसबुक के मौलवियों की जरूरत नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात तुम्हारे जैसे मौलवियों के कंधों पे खड़ी भी नहीं है नादानों, तुम हिमाकत मत करो, तुमको अगर पढ़ने आ गया तो तुम अपने आप पे अकड़ो मत, इतराओ मत, बुजुर्गों की बात करो, गौसे आजम का क्या अकीदा था ये बयान करो, बंदा नवाज का क्या अकीदा था ये बयान करो, इमाम आजम का क्या अकीदा था ये बयान करो, इमाम बुखारी का क्या अकीदा था ये बयान करो। बोलो
सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मैं मेरी भी नको सुनो, बोल रहा हूँ मेरे को भी ये देखो कि मैं गरीब नवाज के बारे में क्या बोल रहा हूँ। गरीब नवाज का अकीदा क्या है? ये कमाल की चीज है, ये कहाँ का ला के दे रहे भाई? अरे तू कौन रे भाई? तेरे घर में तेरी बीवी तेरे को मानने तैयार नहीं है? तू दुनिया को मनवाने को निकला हुआ है, मैं को मानो तो बीवियां रख लेके तुम दुनिया को मान रहे, मैं को मान, तुम्हारी बेगम तुम्हारा को मान नहीं मान रही, और तुम बोल रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ वो मानो। अस्तग़फिरुल्लाह अलअज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम फ़अतूबु इलैह। तौबा कर, घर में माफी मांग, अल्लाह से बैठ जा, कहीं क़हर इलाही ना आ जाए, जलाल इलाही कहीं तेरे ऊपर जाहिर ना हो जाए। कोई मेरे साथ लड़ो न करो, तुम लोग तो है ना कहीं उन्हें बोलेंगे जहां बोले उन्होंने छाइत नहीं दिए बोलेंगे मेरे हाथ अलगल। मेरे भाइयों ये बातें हमारी नहीं है मगर हालात चल रहे हैं। अरे भाई ये दौर इतना खतरनाक चल रहा, यहाँ पे बेटा अम्मा को मानने तैयार नहीं है, बहू सास को मानने तैयार नहीं है, बीवी शौहर को मानने तैयार नहीं है। परसों में फेसबुक पे हमारे ओल्ड सिटी का एक वीडियो देखा तो अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ मैं पूरा दिन सकते में रहा। एक دور یہ فتنوں کا دور دور اللہم احفظنا من کل بلائی دنیا وعدہ بالآخرہ۔ ایک واقعہ تو ہم ایسا بھی سنے کہ نعوذ باللہ ایک سسر سے ایک بہو کو اولاد پیدا ہو گئی، اس کا شوہر اس لائق نہیں تھا، انہیں بولا میری بیوی پریگننٹ کیسا ہوتی، لے کے جا کے ٹیسٹ نہ کرایا تو انہیں بولا میں تو لائق ہی نہیں ہوں باپ بننے کے، میرے اندر وہ جم سا ہی نہیں، میری بیوی پریگننٹ کیسا ہوتی، ٹیسٹ کرو تو پتہ سسر سے پریگننٹ ہو۔ اتنا بدترین دور چل رہا، یہ دور میں امت کو بچانا، امت کو سنبھالنا، امت کو نبھانا،
उम्मत के हालात के ऊपर गुफ्तगू करना भी, जैसे हमारे पीर नजमुद्दीन साहब अहवाल पे गुफ्तगू की है, हालात पे गुफ्तगू की, ये मसाइल पे गुफ्तगू करो भाई, उम्मत को बचाने की कोशिश करो। उम्मत किधर जा रही है? तबाह हो जा रही है, हालात में जा रही है, बर्बाद हो जा रही है, हराम कारी में लगे हुए मेरे भाई, बदकारी में लगे हुए, रात रात भर नौजवान फेसबुक के ऊपर खाली। अभी तो इमाम मेहदी आने वाले हैं, 11वें इमाम जब इस दुनिया से रुखसत फरमाए तो फिर बगदाद की धरती पर, बगदाद की धरती पर हुजूर सैयदुना महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी पीर लासानी सरकार हौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाह तआला अन्हु की साथ अक्दस जलवा करूंगी। जैसे ही गौसे पाक इस दुनिया के अंदर पहली सांस लेते हैं, अल्लाह कुतुबुल इरशाद का मनसब हजरत गौसे पाक को अता फरमाया। और अब क्या हुआ, वहां से ये मर्तबा मुंतकिल होता रहा, लेकिन सरकार गौसे पाक इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन ये मर्तबा कुतुबुल इरशाद आपसे मुंतकिल नहीं हुआ। आज भी ये मनसब हजरत गौसे पाक के पास है, आज भी पूरी दुनिया के औलिया को जो नेमतें मिलती हैं वो दरे गौसे आजम से अदा की जाती है, दरे गौसे आजम से अदा की जाती है, सरकार गौसे पाक के सबके में आज जितने औलिया अल्लाह। इसीलिए आप देखिए हजरत गरीब नवाज खुद एक बहुत बड़े दर्जे के वली हैं, जिनकी विलायत को पहचानना मुश्किल है, उतने बड़े दर्जे के वली हैं, मगर वो गरीब नवाज भी मेरे गौसे आजम की खसीदा खानी करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सामने मुईनुद्दीन चिश्ती जैसी इज्जत है, फिर भी उसके बावजूद हजरत सैयदुना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मेरे गौसे आजम की अजमत बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है अली के बच्चे, कौन है ये खुदुल इरशाद का जो मनसब है ना, मौलाए कायनात से शुरू हुआ, मौलाए कायनात के बच्चों में रहा। अब गौसे पाक के पास ये कब तक रहेगा? फरमाते हैं हजरत शेख अहमद सरहद्दी मुजद्दिद अल-फिसानी, फरमाते हैं इमाम मेहदी के तशरीफ लाने तक ये मनसब गौसे पाक के पास ही रहेगा, और जो इमाम मेहदी आएंगे वो कोई और नहीं है, वो भी मौला अलीउल मुर्तजा की जाते अक्दस का फैज लेकर उनकी नस्ले पाक से ही पैदा होंगे। सुभान अल्लाह, क्या है मेरे अली की शान, क्या है अली की शान। बस अब आखिरी बात, प्लीज डोंट माइंड, आखिरी बात देखो, सिर्फ आप पूरी दुनिया को छोड़ दो, सिर्फ आप हिंदुस्तान का जायजा ले लो, हिंदुस्तान का जायजा ले लो। हिंदुस्तान में आज कमोबेश 1 लाख औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं, इतनी प्यारी जमीन है, 1 लाख औलिया अल्लाह कमोबेश हिंदुस्तान की धरती पर आराम कर रहे हैं। आप, मैं क्योंकि जहां बयान करने जाता हूं हर दिन हर दिन हर दिन बयान 20 दिन 20 स्टेट फिरता हूं, जहां बयान करने का वहां जाके वो बुजुर्ग कौन है, औलिया अल्लाह कौन है, उनकी जियारत करना, उनसे उनकी बारगाह में फातिहा की नजराने पेश करना, उनकी निगाह करम उनकी दुआओं में जगह हासिल करके वहां से निकलना। 95% औलिया अल्लाह इस हिंदुस्तान की जमीन पर, 95 एक दो नहीं, 95% औलिया अल्लाह सादात इकराम सैयद जादे अलीउल मुर्तजा की औलाद है, रसूल अल्लाह की नस्ले पाक है, अली की औलाद है। 95% औलिया अल्लाह बोल रहा हूं मैं आपको, एक दो नहीं, आप जान दो, आप तो पूरे हिंदुस्तान का जायजा नहीं ले सकते, उतना टेंशन न लो, खाली अपने ओल्ड सिटी का जायजा ले लो। कल सुबह बैठ के क्या करो, पूरे औलिया अल्लाह की लिस्ट निकालो, निकाल के एक एक की बारगाह में जाओ, फातिहा पढ़ते जाओ, देखते जाओ, हजरत सैयद है गैर सैयद है, सैयद है गैर सैयद, थक जाएंगे आप। विलायत का जो सिलसिला चला ना वो अली की सदके अली की औलाद में चला, 95% औलिया अल्लाह सैयद जाने।
अब इससे बड़ी बात क्या होना कि जैसे हजरत आदम को अबुल बशर कहते हैं, इसी तरह मौला अली को अबुल औलिया कहते हैं। ये औलिया के बाप हैं, औलिया के बाप इनकी नस्लों में पैदा हुए थे। निजामुद्दीन औलिया इन्हीं के बेटे हैं, बंदा नवाज इन्हीं के बेटे हैं, बाबा शफीन इन्हीं के बेटे हैं, यूसुफ शरीफ बाबा इन्हीं के बेटे हैं, सरकार अहमद बादेपा इन्हीं के बेटे हैं, मोहती सिद्दकन इन्हीं के बेटे हैं, हजरत सैयदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन्हीं के बेटे हैं, हजरत गौसिया आजम इन्हीं के बेटे हैं। आप इसका नाम लेते ले लो, आप सारे औलिया अल्लाह इनके बेटे। इतने बड़े गौसिया आजम कुछ हम लोग नहीं समझ सक रहे, तो अली को कहां से समझेंगे जी। नहीं अजी, उनकी खाली इतनी जवाब काफी है। देखो उनके दो बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। उनकी इतनी बात काफी है कि उनकी नस्ले पाक में ऐसे शहजादे पैदा हुए जो करबला में शहीद हो गए तो इस्लाम जिंदा हो गया। काम मौला अली के बारे में बात करने जा रहे मेरे भाई, उनके बच्चों को नहीं समझ सकते हम। इसलिए हजरत अली से अकीदत रखो, ज्यादा डीप में गए तो फिसलने के चक्कर आए। अरे वो हमारी जान है, हमारा ईमान है, हमारी मोहब्बत है, हमारी अकीदत है, हमारी मरकजियत है, हमारी रूहानियत है। अरे हमारी जान भी उनके नाम पे कुर्बान है। अकीदत पक्की रखो, बस करेंगे ना इंशाल्लाह। बस अब एक गुजारिश कर दो, बयान खत्म होगा। गुजारिश अभी तो इमाम मेहदी आने वाले हैं ना, 11वें इमाम जब इस दुनिया से रुखसत फरमाए तो फिर बगदाद की धरती पर, बगदाद की धरती पर हुजूर सैयदुना महबूबे सुभानी कुतुबे रब्बानी पीरे लासानी सरकार हौसुल आजम दस्तगीर रजी अल्लाहु तआला अन्हु की साथ अख्तस जलवा करूंगी। जैसे ही गौसे पाक इस दुनिया के अंदर पहली सांस लेते हैं, अल्लाह खुद को इरशाद का मतलब हजरत गौसे पाक को अता फरमाता। और अब क्या हुआ, वहां से ये मर्तबा मुंतकिल होता रहा, लेकिन सरकार गौसे पाक इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन ये मर्तबा खुतबुल इरशाद आपसे मुंतकिल नहीं हुआ। आज भी ये मनसब हजरत गौसे पाक के पास है। आज भी पूरी दुनिया के औलिया को जो नेमतें मिलती हैं वो दरे गौसे आजम से अदा की जाती है, दरे गौसे आजम से अदा की जाती है। सरकार गौसे पाक के सबके में आज जितने औलिया अल्लाह, इसीलिए आप देखिए हजरत गरीब नवाज खुद एक बहुत बड़े दर्जे के वली हैं, जिनकी विलायत को पहचानना मुश्किल है, उतने बड़े दर्जे के वली हैं। मगर वो गरीब नवाज भी मेरे गौसे आजम की खसीदा खानी करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सामने मुईनुद्दीन चिश्ती जैसी जात है, फिर भी उसके बावजूद हजरत सैयदुना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मेरे गौसे आजम की अजमत बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है अली के बच्चे। कौन है ये खुतबुल इरशाद का जो मनसब है ना, मौलाए कायनात से शुरू हुआ, मौलाए कायनात के बच्चों में रहा। अब गौसे पाक के पास ये कब तक रहेगा? फरमाते हैं हजरत शेख अहमद सरहद्दी मुजद्दिद अल-फिसानी, फरमाते हैं इमाम मेहदी के तशरीफ लाने तक ये मनसब गौसे पाक के पास ही रहेगा। और जो इमाम मेहदी आएंगे वो कोई और नहीं है, वो भी मौला अली अल मुर्तजा की जात अकदस का फैज लेकर उनकी नस्ले पाक से ही पैदा होंगे। सुभान अल्लाह, क्या है मेरे अली की शान, क्या है अली की शान। बस अब आखिरी बात, प्लीज डोंट माइंड, आखिरी देखो, सिर्फ आप पूरी दुनिया को छोड़ छोड़ सिर्फ आप हिंदुस्तान का जायजा ले लो, हिंदुस्तान का जायजा ले लो। हिंदुस्तान में आज कमोबेश 1,00,000 औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। इतनी प्यारी जमीन है, 1,00,000 औलिया अल्लाह कमोबेश हिंदुस्तान की धरती पर आराम कर रहे हैं। आप मैं क्योंकि जहां बयान करने जाता हूँ हर दिन बयान 20 दिन 20 स्टेट फिरता हूँ,
जहां बयान करने का वहां जाके वो बुजुर्गों कौन है, औलिया अल्लाह कौन है, उनकी जियारत करना, उनसे उनकी बारगाह में फातिहा की नजराने पेश करना, उनकी निगाह करम उनकी दुआओं में जगह हासिल करके वहां से निकलना। 95% औलिया अल्लाह इस हिंदुस्तान की जमीन पर, 95 एक दो नहीं, 95% औलिया अल्लाह सादात इकराम सैयद जादे अलीउल मुर्तजा की औलाद है। रसूल अल्लाह की नस्ले पाक है, अली की औलाद है। 95% औलिया अल्लाह बोल रहा हूं मैं आपको, एक दो नहीं, आप जान दो। आप तो पूरे हिंदुस्तान का जायजा नहीं ले सकते, उतना टेंशन न लो, खाली अपने ओल्ड स्कूल का जायजा ले लो। कल सुबह बैठ के क्या करो, पूरे औलिया अल्लाह की लिस्ट निकालो, निकाल के एक एक की बारगाह में जाओ, फातिहा पढ़ते जाओ, देखते जाओ, हजरत सैयद है गैर सैयद है, सैयद है गैर सैयद, थक जाएंगे आप। विलायत का जो सिलसिला चला ना, वो अली की सदके अली की औलाद में चला। 95% औलिया अल्लाह सैयद वाले। अब इससे बड़ी बात क्या होना कि जैसे हजरत आदम को अबुल बशर कहते हैं, इसी तरह मौला अली को अबुल औलिया कहते हैं। ये औलिया के बाप हैं, औलिया के बाप, इनकी नस्लों में पैदा हुए। निजामुद्दीन औलिया इन्हीं के बेटे हैं, बंदा नवाज इन्हीं के बेटे हैं, बाबा शरफुद्दीन इन्हीं के बेटे हैं, यूसुफ शरीफ बाबा इनके बेटे हैं, सरकार अहमद बादेपा इन्हीं के बेटे हैं, मोहती सिद्दकन इन्हीं के बेटे हैं, हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन्हीं के बेटे हैं, हजरत गौसे आजम इन्हीं के बेटे हैं। आप इसका नाम लेते ले लो, आप सारे औलिया अल्लाह इनके बेटे। इतने बड़े गौसे आजम कुछ हम लोग नहीं समझ सक रहे, तो अब अली को कहां से समझेंगे? नहीं अजी, उनकी खाली खाली जवान काफी है। देखो उनके दो बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। उनकी तीज बात काफी है कि उनकी नस्ले पाक में ऐसे शहजादे पैदा हुए जो करबला में शहीद हो गए तो इस्लाम जिंदा हो गया। कहां मौला अली के बारे में बात करने जा रहे मेरे भाई, उनके बच्चों को नहीं समझ सकते हम। इसलिए हजरत अली से अकीदत रखो, ज्यादा डीप में गए तो फिसलने के चक्कर आए। अरे वो हमारी जान है, हमारा ईमान है, हमारी मोहब्बत है, हमारी अकीदत है, हमारी मरकजियत है, हमारी रूहानियत है। अरे हमारी जान भी उनके नाम पे कुर्बान है। अकीदत पक्की रखो, बस करेंगे ना इंशाल्लाह। बस अब एक एक गुजारिश कर देता, बयान खत्म होगा। गुजारिश sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka tala al badru alayna min saniyat al wada'i wajab man shukru alayna bada करम शाहे ज़माने
हो जब तो